हाय फ्रेंड्स, आज फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप देख रहे होंगे। अप्रैल और मई और जून के अंदर ये एग्जाम चल रहे हैं, जैसे कि एलटी ग्रेड हो गया आपका और यूपीएससी के अंडर में काफ़ी एग्जाम होने वाले हैं, तो इनके लिए मैं आपके लिए थोड़ी रीजनिंग और थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूँ, ताकि आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे काम आ सके। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार और बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें इन क्वेश्चनों में जो बताया गया है करीब 75% क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस से रिलेटेड है और यूपीएससी के अंडर में भी है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि सबसे पहले जो हम वीडियो डालते हैं वो आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन के जरिए। तो क्वेश्चन आपका शुरू करते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में से फूलगोभी, जो फूलगोभी होती है, खाद्य और वनस्पति के बीज का संबंध दर्शाया गया है। तो इसमें रीजनिंग है, तो ऑप्शन है इसका आपका ए। एक क्वेश्चन आपका राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपका, यदि PRAPROACH को कूट भाषा में CSUYZNTA लिखा जाए तो PASSAGE को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर तीन, ये थोड़ा आपको देखने में सी लग रहा होगा लेकिन ये सी ही है, मैं इसको भी कर देता हूँ, ये आपका डी आंसर है। दोस्तों अब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देखिएगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस यूपीएससी के एग्जाम में आते हैं जो कि 60 से लेके 62 तक ये क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनके आगे निष्कर्ष मान्यताएं निकाले गए हैं, आपको विचार करना है कि कथन सत्य है चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से प्रतीत होता है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए प्रश्न में कौन सा निष्कर्ष मान्यता निकाला जाता है, अपने उत्तर का दृष्टित कीजिए। तो इसमें आपका कथन है, सभी बोतलें पेन है, कुछ पेंसिलें हैं, कुछ पेंसिल कार्ड नहीं है। निष्कर्ष, कुछ पेन कार्ड नहीं है, सभी पेन बोतलें हो सकती है। तो इसका आपका आंसर है बी। बी आंसर आपका करेक्ट है, केवल निष्कर्ष टू लागू होता है, सभी पेन बोतलें हो सकती है। नेक्स्ट ये आ गया आपका चौथा क्वेश्चन। कथन, सभी अस्पताल इमारतें हैं, सभी अस्पताल रोगी है और कोई रोगी डॉक्टर नहीं है। निष्कर्ष है इसमें, सभी इमारतें रोगी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सभी अस्पताल डॉक्टर हो सकते हैं, तो इसमें आपका आंसर है आपका ए। केवल निष्कर्ष फर्स्ट
लागू होता है। सभी इमारतें रोगी है। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ लड़के अधिकारी है, सभी अधिकारी कर्मचारी है। निष्कर्ष, कुछ लड़के निश्चित रूप से महिला नहीं है, कोई लड़का महिला नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन आपका जो आंसर है वो फर्स्ट है, जो कि निष्कर्ष फर्स्ट से लागू होता है। कुछ लड़के निश्चित रूप से महिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि STUDENT स्टूडेंट शब्द को दूसरे, चौथे, पांचवे और छठे वर्ण को केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए शब्द बनाए जाते हैं या बनाया जाता है, यदि यहां ही एक शब्द बनाता है तो उस शब्द का दूसरा वर्ण क्या होगा, और यदि एक से अधिक बनते हैं तो उसका उत्तर वाई, और यदि नहीं बनता तो उत्तर जेड देवे। तो इसका आंसर आपका वाई, ए आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दृष्टि संयोजक कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होता है, जिसमें आंसर आपका Ne3S2 3P6। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर वर्ल्ड को संदर्भ में इनक्रिप्टेशन से क्या आशय है, जो आपका डेटा होता है कंप्यूटर में उसको इनक्रिप्ट करने के लिए क्या होता है, क्या करना चाहिए, किस चीज के लिए होता है। इसमें आपका आंसर है सी, वर्तमान में उपयोग करने के लिए डेटा को पासवर्ड एल्गोरिथम में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1885 माइक्रो प्रोसेसर दैट एड्रेस बसेस ऑफ बिट्स, इसमें आपका आंसर है 16 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, क्योंकि ये कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि काफी बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आता है। इन द आर्किटेक्चर ऑफ 1885 माइक्रोप्रोसेसर मैच द फॉलोइंग, प्रोसेसिंग यूनिट, इंटरप्ट, इंस्ट्रक्शन यूनिट, जर्नल पर्पज रजिस्टर, स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट ALU। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट, टाइमिंग एंड कंट्रोल। तो इसमें आपको आंसर चुनना है, तो दोस्तों इसमें आंसर है आपका सी, यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन मैंने आपको UPSC के जो में पेपर तैयार किया जाता है वो क्वेश्चन आपको दिया है मैंने इसमें, ताकि आप इस क्वेश्चन को अपने माइंड के अंदर मेंटेन कर सके। काफी कठिन है क्वेश्चन, लेकिन अच्छा है। तो फिर तीसरा क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि B इंस्ट्रक्शन यूनिट, जो कि आपका ALU जितनी भी आपकी अंदर कंप्यूटर के अंदर डेटा होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको गणना करता है। सी यानी कि फर्स्ट, सी फर्स्ट प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि इंटरप्ट, उस डेटा को इंटरप्ट करता है और फिर आगे प्रोसेस करता है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें आप और शेयर करें।